हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि ई कॉम एक्सप्रेस से अगर आपका ऑर्डर आ रहा है, कोई किधर से भी आपने ऑर्डर किया हो या किसी ने आपको भेजा है पार्सल, या गाइस आपने मीशो, अमेज़न या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से आपका ऑर्डर आ रहा है, आप कैंसिल करना चाहते हो ई कॉम एक्सप्रेस से आपका ऑर्डर फ्रेंड्स आता है तो कैंसिल कैसे करेंगे, यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने भी दो से तीन बार कैंसिल कर चुका हूँ, तो वैसा जैसा मैंने किया वैसा आपको बताने वाला, आप भी बहुत ईजीली तरीके से कर सकते हो। अगर आपने फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहती है, और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम जानते हैं हमारा ई कॉम एक्सप्रेस से ऑर्डर कैसे कैंसिल कर सकते हैं, और मैं ये भी बताऊंगा फ्रेंड्स आपका टाइम कितना लगता है कैंसिल होने में, आपका जो पैसा रहता है वो रिफंड आएगा क्या नहीं आएगा, इस वीडियो में आपको पूरी सारी डिटेल्स देने वाला। तो गाइज यहाँ देखिए मेरा ट्रैकिंग आईडी मैंने डाल के आपको दिखा रहा हूँ। गाइज यहाँ हमारा शिपमेंट एट डिलीवरी सेंटर दिखा रहा है गाइस, और हमारा जैसा पहुँचेगा फ्रेंड्स और शिपमेंट वैसा आपको मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस चलिए अभी मैं आपको एक कैंसिल करना है मुझे, तो वो कैंसिल करके दिखाऊंगा। तो हमको क्या करना है, इधर देखिए ई कॉम एक्सप्रेस की वेबसाइट पे सबसे पहले तो आपको आ जाना है, क्रोम में आपको लिखना है ई कॉम एक्सप्रेस बस, और ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है उनकी उस पेज आपको आना, बाकी आना ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं जाना है। और इसके बाद यहाँ आपको स्क्रॉल अप करके देखिए इधर कनेक्ट विथ अस दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप स्टिल कैन नॉट फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर के नीचे कनेक्ट विथ अस है फ्रेंड्स, पे क्लिक करके ऐसा न्यू पेज आपका ओपन हो जाता है उनसे कॉन्टेक्ट करने का। तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करके कंप्लेंट करके ही कैंसिल कर सकते हो आपका ऑर्डर, जैसा मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपको देखना है पूरा वीडियो। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ समझ नहीं आता नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए कॉमर्स पे तो बोल दीजिए, मैं वो भी आपके लिए बना दूंगा, नीचे कमेंट करके बता देना। तो गाइज ये फॉर्म है, यहाँ सबसे पहले आपके ऑर्डर में जो नेम है वो आपको एंटर करना है, उसके बाद आपका जो रजिस्टर ईमेल आईडी वो डाल लेना है, जो आपके ऑर्डर फ्रेंड्स आ रहा है उसके अंदर जो ईमेल आईडी दी है वो आपको डालना है। और इसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी, तो हमें एक कैटेगरी सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स, ये देखिए इधर अदर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमें अदर्स सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद ये ए डब्ल्यू बी नंबर डालना है, एयरवे बिल नंबर फ्रेंड्स आपका ए डब्ल्यू बी नंबर होता है, जो आपको फ्रेंड्स मिल जाएगा जहाँ से भी आप ऑर्डर कर रहे हो वहाँ से मिल जाएगा आपको ट्रैकिंग नंबर, फिर उसके बाद आपको ए डब्ल्यू बी नंबर भी आप जैसे ट्रैक करोगे तो मिल जाएगा फ्रेंड्स ई कॉम एक्सप्रेस में, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। आपको देखना है आपका ए डब्ल्यू बी नंबर डालने का, इधर मैसेज में लिखना है प्लीज़ कैंसिल माई ऑर्डर एंड नॉट डिलीवरी टू होम, अगर आपको फ्रेंड्स घर पर नहीं पहुँचाना तो ये लिखना पड़ेगा एंड नॉट डिलीवरी टू होम, तो आपके घर पर वो नहीं पहुँचेगा। और आपको फिर क्या करना है फ्रेंड्स, इतना से लिख के ना सबमिट करना है। और मैं आपको कुछ बोलने वाला हूँ, अभी आपको ध्यान से सुनना, अगर आपको ऑर्डर नहीं चाहिए तो फ्रेंड्स दूसरा भी स्टेप बताने वाला हूँ, अगर आउट फॉर डिलीवरी हो गया है तो उसके उसमें क्या करना है, आपका ऑर्डर निकल चुका है फ्रेंड्स डिलीवरी के लिए, तो वो भी आपको बताने वाला। तो पहले हम इतना लिख लेते हैं प्लीज़ कैंसिल माई ऑर्डर एंड नॉट डिलीवरी टू होम। और इसके बाद आपको इस सबमिट की बटन दिख रहा है, आपको सबमिट पे क्लिक करके सबमिट कर देना है, तो हमारा जो टिकट है वो सबमिट हो जाएगा। एक बार सब चेक कर लीजिए आपने सारा सही के लिखा है कि नहीं, और सबमिट कर देना। तो हमने अभी सबमिट कर दिया फ्रेंड्स, इसके लिए सारा ये एम्प्टी हो चुका है, जैसे आप सबमिट करोगे तो ये फिर से फ्रेंड्स रिफ्रेश हो जाता है और आपका मैसेज चले जाता है। तो ऐसे आपको करना है गाइज, आपको सबमिट करके सेंड कर देना है, और दूसरा आप उनको कॉल करके भी बोल सकते हो डिलीवरी बॉय को, फ्रेंड्स जो डिलीवरी बॉय आपका लेके आता, अगर आउट फॉर डिलीवरी हो गया है आपको तो क्या करना है, आपको उनको बोलना है हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दो, हम घर पे नहीं है, तो वो आपका ऑर्डर नहीं लेके आएगा, नाम भी पूछेगा, उसके बाद आपका वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है। तो गाइज मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आप डिलीवरी बॉय को बोलना, अगर आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है तो डिलीवरी बॉय का आपको मैसेज में नंबर मिल जाता है और पिन भी मिलता है, तो जब नंबर पर कॉल करोगे तो पिन मांगेगा, तो वो मैसेज के नीचे पिन लिखा होता है, तो उसको पिन डाल के बोल देना जैसे कॉल लगे हम घर पर नहीं, हमारा कैंसिल कर दो, तो नहीं लेके आएगा और आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और चले जाएगा, बोलना अभी हमको ऑर्डर चाहिए भी नहीं, हम 10-12 दिन तक आएंगे भी नहीं। तो देखिए ऐसा आपको मैसेज रहता है फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको डिलीवरी बॉय का नंबर भी मिल रहा है, कॉल लिखा है उसके ऊपर, कॉल ऐसा क्लिक करोगे तो कॉल हो जाएगा, नीचे पिन है, पिन ये डाल के बात करके बोलना हमको ऑर्डर नहीं चाहिए, सिर्फ इतना बोलोगे तो भी आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा अगर आउट फॉर डिलीवरी हो जाता है तो, और उनको कॉल करके भी बोल सकते हो कस्टमर केयर। तो दोस्तों ये वीडियो